अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। शेखुपुरा में लाहौर मोटरवे पर नामालूम अफराद की प्रॉपर्टी ऑफिस पर फायरिंग। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौका पर जान भाग और 2 शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग मामले की वजह नामालूम हो सकी। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने 2 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया और जान भाग अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। हवेली लखा और मजाफात में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। बारिश की वजह से नवाही गांव जहांगीराबाद में गरीब मेहनतकश की छत गिर गई। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौका पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां शुरू करके छत के मलबे के नीचे से वालदा और 5 बच्चियों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। चूनिया नहर का बंध टूट जाने से पानी लोगों के घरों में कई फीट जमा हो गया। पानी घरों में दाखिल होने से लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने में मशरूफ। अहले इलाका ने महकमा इरीगेशन और डिप्टी कमिश्नर कसूर से नोटिस लेने और घरों से पानी निकालने की अपील कर दी। सारा पानी देखो, गरीबा दंधा डेकदिया ने पाया, कोठे मकान डिग दे ने पाए। कोई सरदार पिंड नहीं कोई आखरा करता भी इन बंद दिए या इन पानी पिछो बंद करा दिए। सियालकोट शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बारिश शुरू होते ही मुतअद्दिद फीडर ट्रप कर गए और बिजली की फराहमी मुनकता हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। गुजरावाला में राणा सनाउल्ला का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खुदा का शुक्र है कि एक झूठा और बेबुनियाद मुकदमा अपने अंजाम को पहुंचा। मैं झूठे मुकदमे से बाइज्जत बरी हुआ हूं। हम सब ने अपनी बेगुनाही अदालतों में पेश की है। मुकदमात जो हैं, वो जब इमरान खान नियाजी साहब बरसे इकदार थे, आपको पता वो क्या 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 किया करते क्या करते थे अमरीका में जाके बजाय इसके कि वहाँ के कोई मुल्क की बात करें, वो कहते थे कि हाँ मैं जाके पता करूँगा कि नवाज शरीफ के जो है वो उसके सेल में कोई पंखा तो नहीं लगा हुआ, कोई एसी तो नहीं लगा हुआ, इनको को घर से खाना तो नहीं जा रहा। मेरे ख़िलाफ़ जो झूठा मुकदमा कायम किया था, ये किसने कायम किया था, किसके दौर में जो है वो कायम हुआ था। मैं बात ये करूँगा कि हमारे खिलाफ़ मुकदमा कायम हुए, हम अदालतों में पेश हुए। हमने अदालतों के ऊपर हमले नहीं किए, हमने अदालतों के ऊपर जब वो चढ़ाई नहीं की। हम अदालतों में जो है वो हज़ारों लोगों को, मैं भी यहाँ पे 2000 आदमी जो है वो पिछली डेट पे ला सकता था, आज भी ला सकता था, हमने ये काम नहीं किया। हमने अदालतों में पेश होके अपनी बेगुनाही साबित की। जिन लोगों के दूसरों के खिलाफ मुकदमा कायम हैं, वो भी अपनी बेगुनाही पेश करें। अदालतें आज़ाद हैं और फैसले कर रही हैं, वो बेगुनाह होंगे तो वो भी बरी हो जाएंगे। अपना सहाफी तंजीम के वक्त की वफाकी वजीर अतलात मरियम औरंगजेब से तफसीली मुलाकात हो गई। वक्त की क्यादत मियां गफार अहमद मुजम्मिल सोहरवर्दी ने की। मुलाकात में सहाफियों की बिला इम्तियाज इंश्योरेंस, सहाफी कलोनी, सेहत कार्ड समेत रिपोर्टिंग के दौरान सहाफियों के मसाइल समेत मुख्तलिफ इशूज पर बातचीत हुई। वफाकी वजीर ने अपना तंजीम की पाकिस्तान भर में तंजीम साजी के अमल को सराहा और भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मियां गफार अहमद मुजम्मिल सोहरवर्दी, शहबाज खान और शाहिद सदीक को बताया कि 7 अगस्त को वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ एक तकरीब में बिला इम्तियाज ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोग्राम का इजरा करेंगे। इस्लामाबाद में हमारी अफवाह बिस्मिल्लाह आज हमारी कंपनी ऑल प्रोफेशनल न्यूज पर्सन अलायंस की तरफ से बाकी मेरे इतराब मसूलियात मुकदमा मरियम औरंगजेब के सामने बहुत कुछ मुकाबला पेश किए गए और उनसे तफसीली मुलाकात उनके दफ्तर की और उन्होंने
हेल्थ कार्ड और हेल्थ की फैसिलिटी दी जाएगी और ये बहुत बड़ा इकदाम है। हम इस पर हुकूमत पाकिस्तान का खसूसी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरदार शरीफ साहब का और वफाकी वज़ीर इत्तला'आत नफ़्सियात मुहतरमा औरंगज़ेब मरियम औरंगज़ेब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और सहाफ़ी भाइयों को मुबारकबाद देते हैं कि हमारी आज की जो पहली मुलाकात थी ये अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं से आपके कामों से कामयाब रही कामयाब रही। ओबाड़ों में 6 महरम उल हराम का मरकजी माथी जुलूस हुसैनी इमाम बारगाह रीति रोड से बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह ठंडे पानी की सबीलें लगाई गईं। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सख्त निगरानी की गई। मुतलका अस्पताल ओबाड़ों की जानिब से अच्छे इकदाम किए गए। ताहम जुलूस के रास्तों में गंदगी के ढेर और गंदा पानी भी जमा था। स्पेशल टीवी से बिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।